स्टूडेंट्स, लेसन जो हम डिस्कस कर रहे हैं उपसे सूचक यौगिक, जिसका लेक्चर नंबर 8 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 8 क्लास 12 से 9th लेसन, जिसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, शॉर्ट में CFT बोला जाता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये दी थी बैथे ने दी थी ये थ्योरी, और VBT जो है वो पोलिंग द्वारा दी गई थी। ये थ्योरी दी थी बैथे ने और VBT दी थी पोलिंग ने, लाइनस पोलिंग द्वारा VBT जो थी वो दी थी पोलिंग ने। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास 12th रीट, जेट, पटवार, RPSC, SI और जनरल साइंस संबंधी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, और आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं बता दूं आपको, क्लास 12th के जो वीडियो हैं वो कंटिन्यू मैं अपलोड कर रहा हूं, तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। तो CFT डिस्कस करते हैं हम कि क्या है CFT। सबसे पहली बात, CFT जो है वो ये मानती है कि लिगैंड जो है वो एक ऋणावेशित कण है, नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल है, ऋणावेशित कण है। लिगैंड को एक ऋणावेशित कण मानती है क्योंकि लिगैंड के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, लोन पेयर तो होता ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, इसलिए ये लिगैंड को भी CFT एक ऋणावेशित कण मानती है। ये थ्योरी कहती है कि जब धातु विलगित होता है, विलगित यानी जब वो लिगैंड से जुड़ा हुआ नहीं है, आइसोलेटेड मेटल, विलगित धातु, विलगित मतलब विलगित कह दो चाहे मुक्त कह दो एक ही बात है, मुक्त मतलब जब वो लिगैंड से जुड़ा हुआ नहीं है, ओनली मेटल ही है। जब वो लिगैंड से जुड़ जाएगा, मान लो 6 लिगैंड जुड़ गए तो हम लिखेंगे Ml6, एल फॉर लिगैंड हो गया, 6 लिगैंड जुड़ चुके हैं। जब धातु मुक्त अवस्था में है या विलगित अवस्था में है तो इसके जो डी कक्षक होते हैं, हम 5 डी कक्षक बनाते हैं, इन 5ों डी कक्षकों की ऊर्जा बिल्कुल समान होती है, एक ही ऊर्जा स्तर पे होते हैं। ये एनर्जी लेवल दिखा रहा हूँ, मान लो मैं ये ऊर्जा का स्तर दिखा रहा हूँ, तो इन 5ों की ऊर्जा बिल्कुल बराबर है। ऐसे डी कक्षकों को हम लोग बोलते हैं समभ्रंश कक्षक, डीजनरेट ऑर्बिटल समभ्रंश कक्षक, जिनकी ऊर्जा बिल्कुल बराबर होती है। तो जब धातु मुक्त अवस्था में होता है, विलगित अवस्था में होता है, तो इसके जो डी कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा बिल्कुल समान होती है, इन्हें बोला जाता है समभ्रंश कक्षक, जिनकी ऊर्जा बिल्कुल इक्वल है, समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। अब होता क्या है, ये सिद्धांत क्या कहते हैं, ये सिद्धांत कहते हैं जब लिगैंड धातु से जुड़ता है, यानी जब संकुल बनता है, जब लिगैंड धातु से जुड़ता है यानी संकुल बनता है, तो इन जो समान ऊर्जा वाले डी कक्षक हैं इनकी ऊर्जा समान नहीं रहती, कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा तो ज़्यादा हो जाती है और कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है। कुछ की ये एनर्जी लेवल है, कुछ की ऊर्जा तो बढ़ जाती है, कुछ की ऊर्जा घट जाती है, अर्थात डी कक्षक जो हैं वो भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों पर विपाटित हो जाते हैं, कुछ डी कक्षक उच्च ऊर्जा वाले हो जाते हैं और कुछ डी कक्षक निम्न ऊर्जा वाले हो जाते हैं। इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। डी कक्षकों का
लिगैंड की उपस्थिति में भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों पर विभाजित होना, स्प्लिटिंग होना, विपाटित होना क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इंग्लिश में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं, और क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन हिंदी में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्या है? मुक्त धातु के 500 डी कक्षकों की ऊर्जा सेम होती है, जिन्हें हम संभ्रंश कक्षक कहते हैं, लेकिन जब धातु से लिगैंड जुड़ता है तो कुछ डी कक्षक ज़्यादा ऊर्जा वाले हो जाते हैं, कुछ डी कक्षक कम ऊर्जा वाले हो जाते हैं, अर्थात डी कक्षक भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों पर विपाटित हो जाते हैं, जिसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन बोलते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, उसको हम क्लियर करने वाले हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे अष्टफलकीय संकुल में डी कक्षकों का विपाटन। अष्टफलकीय संकुल में डी कक्षकों का विपाटन, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या डी कक्षकों का विपाटन। तो अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या डी कक्षकों का विपाटन, ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो अष्टफलकीय संकुल होता क्या है वो देखें हम, कि अष्टफलकीय संकुल क्या होता है। अष्टफलक में धातु जो होता है वो बिल्कुल बीचों बीच और इसके छह कोनों पर लिगैंड आता है, यह अष्टफलकीय संकुल है। क्लियर। अब बात करें हम धातु की, तो धातु के पास पांच डी कक्षक हैं। पांच डी कक्षक कौन कौन से हैं वो देखें, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्केयर वाई स्केयर और डी जेड स्केयर। तो ये पांच डी कक्षक हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्केयर वाई स्केयर और डी जेड स्केयर। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्केयर वाई स्केयर और डी जेड स्केयर। डी एक्स वाई क्या होता है, ये मान लो एक्स अक्ष है और ये मान लो वाई अक्ष है। तो डी एक्स वाई क्या होगा, डी एक्स वाई जो है उसकी पालियां डी क्या करती, द्वि डम्बलाकार होती है, तो उसकी जो पालियां होती हैं वो एक्स और वाई अक्ष के बीच में होती हैं। ये डी एक्स वाई है जिसकी पालियां आकृति इसकी द्वि डम्बलाकार होती है, ऐसे ऐसे आकृति होती है। यदि इसकी पालियां एक्स और वाई के बीच में आ जाएं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में आ जाएं, तो उसको बोलते हैं डी एक्स वाई। ऐसे ही डी वाई जेड क्या है, जिसकी पालियां वाई और जेड अक्ष के बीच में। अब मान लो ये वाई अक्ष है और ये सपोज कि जेड अक्ष है, तो जिसकी पालियां वाई और जेड अक्ष के बीच में है वो डी वाई जेड है। ऐसे डी एक्स जेड क्या होगा, जिसकी पालियां एक्स और जेड अक्ष के बीच में होगी। अब ये मान लो एक्स अक्ष है और ये मान लो जेड अक्ष है, तो जिसकी पालियां एक्स और जेड अक्ष के बीच में है वो डी एक्स जेड है। क्लियर। डी एक्स स्केयर वाई स्केयर क्या है, जिसकी पालियां एक्स और वाई के ऊपर हैं। स्केयर वालों की जो पालियां होती हैं वो अक्ष के ऊपर होती हैं, जैसे ये एक्स अक्ष है ये वाई अक्ष है, तो इसकी पालियां एक्स और वाई के बिल्कुल ऊपर हैं, ऐसे। तो ये डी एक्स स्केयर वाई स्केयर हो गया, और जिसकी पाली जेड के ऊपर है वो डी जेड स्केयर है। ये इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन की वलय होती है, डी जेड स्केयर। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, इन तीनों की पालियां तो होती है कहां, अक्षों के बीच में।
अक्षों के मध्य और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की जो पालियां होती हैं वो होती हैं अक्षों के ऊपर अक्षों के ऊपर। तो इस प्रकार धातु के पास जो पांच डी कक्षक होते हैं इसमें से तीन डी कक्षक की पालियां अक्षों के बीच में होती हैं और दो डी कक्षों की पालियां अक्षों के ऊपर होती हैं। तो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड जिनकी पालियां अक्षों के मध्य हैं उन तीनों को हम बोलते हैं टी टू जी कक्षक टी टू जी कक्षक। और दो जो दो डी कक्षक हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर इनकी पालियां अक्षों के ऊपर हैं इनको बोलते हैं हम ई जी कक्षक। ये ई जी कक्षक हैं। क्लियर। तो धातु के तीन डी कक्षकों की पालियां जो हैं वो अक्षों के बीच में होती हैं जिन्हें हम टी टू जी कक्षक कहते हैं और दो डी कक्षक जिनकी पालियां अक्षों के ऊपर हैं उन्हें हम ई जी कक्षक कहते हैं। ये धातु के डी कक्षक हैं। जब धातु लिगैंड से जुड़ा हुआ नहीं है यानी मुक्त या विलगित अवस्था में है तो इन पांचों की ऊर्जा बिल्कुल समान है। लेकिन जब अष्टफलकीय संकुल बनता है, अब देखें आप संकुल बन चुका है यहां, तो संकुल जब बना तो लिगैंड का रास्ता क्या रहा, लिगैंड का रास्ता रहा एक्स अक्ष के ऊपर, ये एक्स अक्ष, ये मान लो वाई अक्ष और ये हो गई जेड अक्ष। तो जब अष्टफलकीय संकुल बनता है, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, अष्टफलकीय संकुल बनता है, तो लिगैंड अक्षों के ऊपर गति करता हुआ धातु के साथ उपसंयोजक बंध बनाता है। अक्षों के ऊपर गति करता हुआ, तो जब अष्टफलकीय संकुल बनता है तो लिगैंड का जो पथ होता है वो अक्षों के ऊपर होता है। अब लिगैंड अक्ष के ऊपर चल रहा है, अब आप समझे बात को कि कैसे विपाटन होगा। अब लिगैंड चल रहा है अक्ष के ऊपर, तो लिगैंड चल रहा है एक्स अक्ष के ऊपर। अब ये लिगैंड है एक्स अक्ष के ऊपर चल रहा है, देखो क्लियर, लिगैंड चल रहा है अक्ष के ऊपर, तो लिगैंड चल रहा है वाई अक्ष के ऊपर, तो ये लिगैंड का मार्ग अक्ष के ऊपर। अब आप देखें ये जो डी कक्षक की पालियां थी ये लिगैंड के रास्ते में नहीं आई, लिगैंड एक्स अक्ष के ऊपर चल रहा है, वाई अक्ष के ऊपर चल रहा है, लिगैंड वाई अक्ष के ऊपर चल रहा है, जेड अक्ष के ऊपर चल रहा है, तो लिगैंड जो है वो एक्स वाई जेड अक्ष के ऊपर चल रहा है। क्लियर, अक्षों के ऊपर चल रहा है लिगैंड। तो लिगैंड जब एक्स वाई अक्ष के ऊपर चल रहा है, देखो एक्स वाई जेड अक्ष के, तो ये अक्ष के ऊपर चला, ये भी अक्ष के ऊपर चला, तो इनकी पालियां लिगैंड के मार्ग में नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि ये अक्षों के बीच में होते हैं, अक्षों के ऊपर नहीं होते। लिगैंड कहाँ चल रहा है, अक्ष के ऊपर। अब आप देखो लिगैंड चल रहा है अक्ष के ऊपर, तो ये पाली जो है लिगैंड के मार्ग में आ जाएगी। लिगैंड चल रहा है अक्ष के ऊपर, तो ये वाली पाली भी लिगैंड के मार्ग में आ जाएगी। लिगैंड चल रहा है अक्ष के ऊपर, तो ये वाली पाली भी लिगैंड के मार्ग में आ जाएगी। इस प्रकार जो कक्षक अक्षों के ऊपर हैं यानी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर इनकी पालियां लिगैंड के मार्ग में आ जाती हैं, और जो तीन डी कक्षक अक्षों के बीच में हैं इनकी पालियां लिगैंड के मार्ग में नहीं आती। अर्थात अब देखो क्या होता है, कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, लिगैंड के पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होगा। तो जो डी कक्षक लिगैंड के मार्ग में आ जाते हैं लिगैंड उसको प्रतिकर्षित करता है और उनकी ऊर्जा बढ़ा देता है। तो इस प्रकार दो डी कक्षक जो लिगैंड के मार्ग में आए उनकी ऊर्जा बढ़ गई, और तीन डी कक्षक जो लिगैंड के मार्ग में नहीं आए उनकी ऊर्जा घट गई। इस प्रकार डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड की ऊर्जा कम हो जाती है और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की ऊर्जा
बढ़ जाती है, अर्थात T2G की ऊर्जा कम हो जाती है और EG की ऊर्जा बढ़ जाती है जब अष्टफलकीय संकुल बनता है। तो इस प्रकार अष्टफलकीय संकुल में जो धातु के विलगित धातु के समभ्रंश डी कक्षक थे वो दो ऊर्जा स्तरों में टूट जाते हैं, निम्न ऊर्जा के T2G कक्षक और उच्च ऊर्जा के EG कक्षक, यानी dxy dyz dxz की ऊर्जा कम हो जाती है, dx2 y2 और dz2 की ऊर्जा बढ़ जाती है। फिर क्लियर कर लें, अब मैं पूरी थ्योरी बोल देता हूं आपको कि क्या कहता है, पूरी सिद्धांत क्या कहता है। जब धातु विलगित अवस्था में होता है तो इसके पांचों d कक्षकों की ऊर्जा समान होती है जिन्हें हम समभ्रंश कक्षक कहते हैं। ये पांच d कक्षक, इनमें से तीन d कक्षक अक्षों के मध्य कौन कौन से dxy dyz dxz होते हैं तथा दो डी कक्षक अक्षों के ऊपर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होते हैं। क्लियर। जब अष्टफलकीय संकुल बनता है तो लिगैंड का मार्ग एक्स वाई जेड अक्ष के ऊपर होता है। लिगैंड का जो मार्ग है, जो लिगैंड धातु की ओर गति कर रहा है, वो एक्स वाई जेड अक्ष के ऊपर गति कर रहा है। इस प्रकार जो कक्षक अक्षों के ऊपर थे वो लिगैंड के मार्ग में आ जाएंगे, जिनकी पालियां अक्षों के ऊपर थी वो लिगैंड के मार्ग में आ जाएंगी, क्योंकि लिगैंड का पथ भी अक्ष के ऊपर है, ये पालियां भी अक्ष के ऊपर हैं, अर्थात डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर लिगैंड के मार्ग में आ जाते हैं, जिससे लिगैंड और उनमें अधिक प्रतिकर्षण होता है, अर्थात उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। और डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड की पालियां लिगैंड के मार्ग में नहीं आती, अर्थात प्रतिकर्षण कम महसूस होता है, जिससे उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। इस प्रकार धातु के समभ्रंश डी कक्षक संकुल बनते समय, यह संकुल बन गया, अब अष्टफलकीय संकुल, यह बन गया अष्टफलकीय संकुल। तो धातु के डी कक्षक संकुल बनते समय दो भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों में विपाटित हो जाते हैं, निम्न ऊर्जा के T2G कक्षक और उच्च ऊर्जा के EG कक्षक में, और इनके बीच का जो ऊर्जा अंतर है वो 10dQ या 10dQ या डेल्टा O से लिखा जाता है। तो इनके बीच का जो ऊर्जा अंतर है वो 10dQ या डेल्टा O से लिखा जाता है। क्लियर। 10dQ या डेल्टा O, दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतर है, डेल्टा O क्या, डेल्टा मतलब अंतर, डेल्टा किसको बताता है, अंतर को, और O बताता है ऑक्टाहेड्रल को, O यानी ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय, O होता है ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा O, डेल्टा होता है अंतर, तो बीच का ऊर्जा अंतर है, T2G और EG के बीच का ऊर्जा अंतर डेल्टा O या 10dQ से लिखा जाता है। क्लियर। तो ये हमारा सिद्धांत था अष्टफलकीय संकुल के क्षेत्र में, अष्टफलकीय संकुल के केस में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन था। तो वापस रिपीट कर देता हूं, जब धातु विलगित होता है तो पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, ये पांच डी कक्षक में से तीन डी कक्षक जो है अक्षों के बीच में होते हैं, dxy dyz dxz, और दो डी कक्षक अक्षों के ऊपर होते हैं। अष्टफलकीय संकुल बनते समय लिगैंड का मार्ग अक्षों के ऊपर होता है, जिससे दो डी कक्षक जो अक्षों के ऊपर थे वो लिगैंड के मार्ग में आ जाते हैं, फलस्वरूप उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तीन डी कक्षक जो लिगैंड के मार्ग में नहीं आते उनकी ऊर्जा घट जाती है। इस प्रकार डी कक्षकों का दो भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों पर विपाटन हो जाता है, जिसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहते हैं। और T2G और EG के बीच का जो ऊर्जा अंतर है उसे हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा या क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा से व्यक्त करते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा से लिखा जाता है। अष्टफलकीय संकुल है तो डेल्टा O, और चतुष्फलकीय संकुल होता है तो डेल्टा टी फॉर टेट्राहेड्रल और ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल। तो स्टूडेंट्स, ये था क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत और ये था अष्टफलकीय संकुल में डी कक्षकों का विभाजन।
तो यदि आपको वीडियो समझ आया है, टॉपिक अच्छा लगा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।